गिरदा यही छोड़ी थी, यही अटमाऊ लेगा, कहीं नहीं जाएगी बाहर रोड मत। मुझे पक्का मेरे सावरिये पे भरोसा है, आप चिंता ना करें। आरती से पहले पहले जो भी ले गया उसके समाचार आ जाएंगे आपके पास, गाड़ी आ जाएगी, समाचार भी राहुड़ी आवेला। आप चिंता ना करें, भगवान पर भरोसा छोड़ दे। और मैं तो यही बोलता हूँ, 18 साल में आज तक गाड़ी हाँ हो जाता इधर उधर कहीं, हाँ थोड़ी बहुत आगे पाछे हो जावे, कटी जगह पार्किंग सही नहीं बजना, ढंगरी जगह जा पार्किंग करिए। आपकी गाड़ी भगवान के भरोसे छोड़ दे, मुझे पक्का भरोसा आपकी गाड़ी सुबह 4 बजे से पहले पहले आएगी, ये पक्की बात है। और जो भी ले गया उस भाई से मैं निवेदन कर रहा हूं, यहां से लगभग तू 2 या 3 किलोमीटर से आगे नहीं जा पाएगा। ये मेरे हरिराम बाबा जोरड़ा धाम वाले देख रहे हैं, ये बाबा वो जहां भी गया जहां भी जा रहा है, या तो आप उसको मोड़ दें वापिस, या फिर 108 एम्बुलेंस पीछे जाने वाली है, ये पक्की बात है। आप समाचार सुन लेना वाले, और यदि अखबार में आवेदन नहीं कराई था तो कह तो मैं कौन नहीं, हरिराम बाबू कौन है, ये पक्की बात है, पक्की बात है। इतना कॉन्फिडेंस हर किसी का नहीं होता, अपन वेल कॉन्फिडेंस बोलते हैं सर, क्यों हम धरातल पर काम करते हैं, आकाश में नहीं करते। पक्की बात है, क्योंकि इनके पेट बाड़ आप कोई साधन ले जाओ ना, वो साधन थारे घर में भर पड़ बाड़ो साहब, काल जो थी काल जो। मैं आपके गांव में जाए जन्मा नहीं हूं, 600 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, मैंने किसी से आज कुछ नहीं मांगा, किसी से कुछ नहीं मांगा, इतना ही बोला है आपकी जेब में जो बड़ा वाला नोट है वो डाल देना, लेकिन मातो बहनों को मैंने यही बोला जो आपके पास है वो दे देना, लेकिन एक मेरी मातृशक्ति ने ये अपना गले का हार खोल के दे दिया। क्या बात है, गले का हार खोल के दे दिया गौ माता के लिए। बहुत जोरदार तालियां बजाएं लुगाया, आप रो गहनो तो आपरी देराणी जेठाणी कहीं नणंद नहीं दे, एक घंटा वास्ते, एक घंटा वास्ते, और बे गौ माता ने वास्ते यदि आपरी कंठी के वो की के वो जो खोलन दी है उन माता जी ने कोटि कोटि प्रणाम है, और एक बार वो वास्ते जोरदार तालियां बजाओ गहना वास्ते, तो मिनकोरा घर भागा खाली गहना रे चक्कर में के वारे 51 तोलारी आड़ और मारे 25 तोलारी क्यों, लुगाया पीर जार बैठगी, और आज वे लुगाया यदि गौ माता रे वास्ते ओ गोदान कर रही है उन मातृ शक्ति ने कोटि कोटि प्रणाम है, एक बार वास्ते जोरदार ताली बजाए उस माता जी के लिए। यदि माता जी आपने हार दिया और आप यहां है तो प्लीज एक बार खड़े हो जाए अपनी जगह पे, आपने गले का हार खोल कर दिया, एक बार आगे आए, आगे आया, क्या बात इलान देनी अपनी मां हलरी हुलराय पूत शिकावे पालने मरण बढ़ाई मां, ऐसी सत्या इस धरती पर कौन कहता लक्ष्मी बाई नहीं है, कौन कहता रूपा दे नहीं है। थोड़े बैठ जाए प्लीज, हाँ बीच में श्रीलंका नक्शो बना बैठा जाओ, नीचे बैठ जाओ, आप तो भारत रो नक्शो घड़ो फूट रो है। चलिए माताजी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, हाथ उठा के एक बार हाथ उठा के ताली बजाएं, बोले गौ मात की जय हो, बोलो श्री हरिराम बाबा की, बोले जोरड़ा धाम की। ए बाबा बस बस केम्पल्टी बेगे लिया तो हाजी आवे है बस मोड़ लियो, हाँ रथड़ा मोड़ लो जी, शॉल लेके आए, शॉल ओढ़ाकर इनका अभिनंदन श्री श्याम गौशाला सेवा समिति तेलाब और समस्त ग्रामवासियों की ओर से। देखिए मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा, आप सब लोगों के खाते में कितने पैसे हैं मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वे मने मिलना नहीं है, और जो को आप आ रहा नहीं हमारे वास्ते टेंशन नहीं करनी, लेकिन आज आपने जो गौ माता की भक्ति की है, जो गौदान किया है, और जिन माता जी ने ये दिया है, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि आयोजन के नाम पर कमाल हो गया, आयोजन के नाम पर कमाल हो गया, और आयोजन करवाने वालों का भी नाम हो गया, और जिस माता जी ने दी है आज गौ माता को ये गले की हार, उनका तो जीवन में बेड़ा पार हो गया। मुझे नहीं लगता कि भगवान के प्रति इतना बड़ा समर्पण, गौ माता के प्रति इतना बड़ा समर्पण हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रमाता गौ माता जिन्होंने हमें बरसों तक सदियों तक अपने पंचगव्य से परिपूर्ण किया, एक बार ओम जी आपके हाथ में रखो और थोड़ा फोटो खिंचाओ माता जी के पास में,
थोड़ा यूं मुंडो करो आप लोग, और सुबह अखबार में पक्को फोटो है, पक्को है कि नहीं है? ठाको या ताले बजाओ तो। ये हम नहीं कहते, जमाना कहता है। ओम डिगणा को बोलते लोग लुटेरा है। अभी एक ने मुकदमे में मेरा नाम लिखा था, ओम डिगणा लुटेरा। हाँ लुटेरा हूं मैं, क्योंकि मैंने पूरा जीवन लुटा दिया है, इसीलिए लुटेरा हूं। मैंने नहीं बोला भवन साहब, भवनलाल जी जाने को मैंने नहीं बोला कि आप सवा बीघा जमीन दो। बोले ये तो किसानों को पोटाता है, बेला फुसला के जमीन ले लेता। क्यों, जमीन मेरी डिगी में गाली में, सवा बीघा जमीन मेरी डिगी में गाली। ये हार भी मैं गौशाला में नहीं देंगे। मेरा नियम है, आठ आठ नौ नौ तोड़े का टेवटा तिमड़ी आपने देखा होगा यूट्यूब पर, माताएं मैंने खोल के देती है, उनका भाव और प्रेम है। एक जगह उन्होंने तिमड़िया दिया, आज तक हमने पूरा गहना वापस लुटवाया, लेकिन एक जगह माता जी ने बोला दिया हुआ दान मैं भी वापस नहीं लेती। लेकिन आज मैं ये तिमड़, ये जो गले का हार है आपको वापस दे रहा हूं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूं, और हमारी ओर से ये 5100 रुपये ओम जी डिगरना, डॉक्टर ओम जी मुंडेल की ओर से 5100 रुपये माता जी के चरणों में भेंट। क्या आपका भाव बड़ा है, गौ माता को समर्पित। जोरदार तालियां बजाकर आप सब लोगों ने अनुमोदना करें। और 5100 रुपये ये छोटी सी बहन आई है मंच पर, माता जी की बिटिया, बोले 1100 रुपये आपने भी दिए। एक बार जोरदार तालियां, टोटल 6200 रुपये हो गए हार के बदले में। हार इनको वापिस लौटा दिया गया है, इनके बदले में टोटल राशि ये 500 रुपये और हार के बदले में आ रहे हैं। क्या बात है, जोरदार तालियां। अबे कोई माता जी हिम्मत मत कर जो ना, अबे कौन ले वाला, अबे कौन ले, अबे धोता बेगी कांटा है, देखे दे दे दा पाची दे दे तो, क्योंकि फोगट में आनंद हो तो दुनिया होशियार बैठी है, लेकिन भाव बड़ा। अबे जड़ो गाई दे, मीरा भाई के तो 3 दुख हुआ, लेकिन 1 दुख हुआ मुझे, उस दुख का कारण आज मेरी गौ माता भुगत रही है। दुख के कारण आज मेरी गौ माता भुगत रही है। यार वो दुख जीव में भजन में गायो, जीव वो दुख वायरल भी हो, लोग क्यों ने लगा भजन में क्यों गा दियो। हाजी आरजे 2100 आया होगा बेटा, बेटा वीर वेगा रमेश वगैरह छो तो दुख गायो को ने बैठ जाओ, जीवी छो तो दुख भजन में गायो, लोग अरे लाई उठी लाई नहीं उठी, डी फोर धुआड़ो यार, एड़ा धुआड़ा उठिया साहब, मुकदमा मत मुकदमा, मुकदमा मत मुकदमा, 2000-3000 गणो तो कवे साहब आतंकवादी घोषित करवा दियो। हाँ छो तो दुख भजन में गायो, आज भी और गाओ, गाय दियोगे गाय दियोगे? हाँ कोई खारी लागे ला छो लागे कोई दिक्कत नहीं, यदि खारी लगे तो घर जाके इनो पी लेना, 2 नींबू पानी पी लेना। हाँ छो तो दुख कड़ो, यदि थाने लागे ओम डिगणा का दुख रियल में सही है, यदि ओम डिगणा का दुख थाने लागे मारो भी दुख है, मारे गांव में भी वो दुख है, मारे जिला में दुख है, तो ताली बजाना अभी नहीं, सुनने के बाद, अभी नहीं सुनने के बाद। जो तो अबे साहब जगह 600 सालों गौचर दबियोड़ा बैठा, ये जगह ठिकाणो जमाड़ा बैठा, नहीं ये तो मेरी तेरी नहीं गौ माता की, यार जगह गौचर दबियोड़ा बैठा है भाई, आज चीज होनी जन माने तो लाई छोके छोकर मेरे को हाथवार लागे, खैर मेरे को थारे लाई लगोड़ी रह जियो, राम जी थारी लाई बुझे जी कोने, थारे लाई लागे थारे राशन कार्ड लागे, क्यों गैर खाते हैं जो हनुमान जी लंका बाड़ी जो। छो तो दुखड़ो है दुनिया में, लोग गयारी गौचर ने दबावे, और ऐसी गयारी गौचर पर नीत बिगाड़े, नीत बिगाड़े मेरो कहीं वे, मेरो कहीं वे, गयारी गौचर पर नीत बिगाड़े, सीधो भूटा टी में सीधो चतुर्दास जी कले जावे हेरे खंगो बियोड़ो, बोले कहीं वेगो बाबूजी वाला वेगो वे भाई गयारी का शर्म नहीं आवे रे। इसलिए जहां भी गौ माता की बात आती है साहब, गर्दन देने के लिए आगे आ जाना, दुनिया में नाम हो जाएगा। गौ माता रो कटे नाम आवे ना, समूह धकाणो लुकड़ो नहीं है। तेजाजी महाराज लारे रहता था, तेजाजी रो नाम अमर नहीं होतो, बाबू जी रो नाम अमर नहीं होतो, बिगो जी रो नाम अमर नहीं होतो, क्योंकि वे गया वास्ते आगे आया, कहीं लागती मांगे लाचा गुजरी, लेकिन नाम अमर कर दियो। बाबू जी राठौर चौरी में बैठोड़ा गर जोड़ो काट, अमर कौन सो गया रे वास्ते
केसर काल में घोड़ी चढ़ रवाना हो गया। आज मारो नाव धरती माता है, वीर बीगो जीरो नाव हमारे रीढ़ी बीघा धाम दोनों पूजी जे गया वास्ते है कि नहीं है। आज मेरे गुरुदेव यहां बैठे हैं। सर आप खुद गौशाला चलाते हैं, आप खुद गौशाला चलाते हैं और लगभग 1000 से बाहर गौ माता है, कभी भी कहीं मांगने के लिए नहीं जाते हैं। ये गुरुदेव की बहुत असीम कृपा है, श्रीनाथ जी महाराज की, कभी कहीं जाके मांगने नहीं जाते हैं और सीधा बोल दिया गौ माता अब थारो जावे तो मारो ही जावे। और भी सांवरिया ने स्पष्ट बोलियो है, ये गुणा मेरो निन्न गुणा तेरो, माजनो मारो जाए तो की थारी जाए ती तो थारी जावेला। और आज ऐसी गौशाला का आप संचालन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जोरदार तालियां। बाकी गौशाला के लिए अपने रात जगानी पड़े, गौशाला वास्ते बड़ा बड़ा कार्यक्रम करना पड़े। मैंने तो आज तक नहीं देखा गुरुदेव को ऐसा बैनर लगा के कोई एक शाम गौ माता का नाम कार्यक्रम करते हुए। ये सब गौ भक्तों की कृपा है साहब। आप विश्वास और सच्चाई पर रहोगे तो गौ माता अपने आप साथ देगी आपका, अपने आप आपका साथ देगी। ये रियलिटी बात है। यदि आप सच्चाई पे हो, परसों हमारा जागरण था डेगाड़े के पास हपचर में, यदि आपकी जबान में सच्चाई है तो भगवान आपके साथ है। हपचर में जागरण था, रात को 2 बजे बुलेरो गाड़ी चोरी होगी, चोरी होगी। आया बोले बुलेरो चोरी होगी, मैं टेंशन ना ले, जो ले गया 20 से 25 मिनट नहीं होगा, जहां से ले गया वहां छोड़ के जाएगा। बोले आपको कैसे पता, मैं तो यहां खड़ा हूं त्रिकालदर से। मामला 21 मिनट में इधर से उठाई और 21 मिनट बाद में बोला तो घर बुलेरो वहां मिली। 21 मिनट में गाड़ी आ गई वापिस, ले जाने वाला खुद ले जा नहीं पाया, कितों ले जाए, 1 किलोमीटर गए और 5 ले आए। मकरणा में 7 मोटरसाइकिल ना गई एक रात में, जबान में सच्चाई। मैंने बोला है त्रिपुरी माता तारमय दम है, वो बेटो अरदास करे गरीबारी 7 मोटरसाइकिल की हुई है साहब। भगवान की ऐसी कृपा, प्रशासन के सहयोग से दूसरे दिन 1:30 बजे मोटरसाइकिल 5 मिल गई सातों की सातों। ये गौ माता की कृपा। सोइला में बोला 1:30 बजे बोला भगवान को आना पड़ेगा, लो के थर करो भगवान आवेगा। मैं क्यों आधी बात याद करो आधी रात आवे, थाने भी विश्वास वेला भगवान को आना पड़ेगा। या लगभग 20-30 आदमी चश्मदीद गवा बैठे, 2:45 बजे भगवान को आना पड़ा और भगवान आए और गौदान की राशि आई 60 लाख रुपए। और 3 बजे कोई बादलों नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई मैं नहीं, कोई मन्नाड़ नहीं, कुछ नहीं, और 3 बजते ही बरसात। तो मैं कौन आ, इंद्र भगवान। तो भगवान ही तो हा बजे, अब भगवान थाने कोई बावड़ी पकड़ के कौन ले तानसन का ले आ तानसन हमर उगी थारी। अरे तानसन वालों तो मन दई गोल्ड मेडल इतनी बिके है ब्रांड पे फोगट में प्रचार। हाँ, इसलिए विश्वास रखे सर, आपका विश्वास होगा, मैं आज बोलता हूं विश्वास होगा तेलाप में 12 महीने तक आपको कहीं भी झोली लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीर तेजा गौशाला सेवा समिति छोटी चंद्राई 1100 रुपए की राशि, टोपी चंद्राई बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए जहां भी गौ माता पर अत्याचार की बात होती है, सजनों युवा साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है, आपको हजारों आलोचनाएं सहन करनी पड़ेगी, हजारों जगह आपके गलत कमेंट आएंगे, घबराना मत, मेरे भी आते हैं, घबराना मत। यदि आप घबरा गए तो आप मंजिल छोड़ जाओगे, मंदिर छोड़ दी तो फिर गौ माता को कोई धड़ीर कोई। इसलिए गौ माता रोकोटी काम में ना समूह आगे दौड़ दो, भाई जी हलो बीच में हलो 4-5 कहां जा रहे हो, गाया बचाने जाओ, गाया बचाने जाओ, टोकड़े लौने जाओ, लाचारी बाहर जावे। इसलिए मैं तो भगवान से यही अरदास करता हूं, प्रभु बस भगवान का भरोसा चाहिए। मेरे भारत के संस्कृति सूरज की कभी शाम नहीं होने देंगे। अरे ऐसे भाई मिल गए वो चंद्र सिंह जी जैसे उद्घोषक दिल्ली में, सबसे आगे माइक पर यही मिलेंगे मुझे। ऐसे भाइयों का सपोर्ट रहेगा तो फिर दिल्ली दूर, क्योंकि हमने तो निश्चय किया कि हमारे मेरे भारत के संस्कृति के सूरज की कभी शाम नहीं होने देंगे। अरे मेरे भारत के संस्कृति के सूरज की कभी शाम नहीं होने देंगे। मेरे भारत के संतों को मंदिरों को कभी गुमनाम नहीं होने देंगे, अपने प्राण भी छोड़ देंगे लेकिन मेरी गौ माता को अब कभी बदनाम नहीं होने देंगे। ओम जी कह रहे हैं कि खोल जाए खून ऐसी कहानी लिखूंगा, खोल जाए खून ऐसी कहानी लिखूंगा और तोड़ दे पत्थरों को ऐसी जवानी लिखूंगा और उनसे कह दो कि ना उछालो पत्थर इल्जामों के, मैं तो केवल राष्ट्र माता की ही कहानी लिखूंगा। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। और मैं तेलाब की धरती पर आप सबके बीच में निवेदन करके जा रहा हूं कि हिमालय में आग फेंकना महंगा पड़ सकता है, तो गौ माता के गौचर को छेड़ना महंगा पड़ सकता है और गौ माता की सेवा को भूलना भी महंगा पड़ सकता है।
और सोए यहीं कहीं तेजा जी महाराज। आप में से कोई न कोई तेजा है, कोई न कोई पाबू है, सोए यहीं कहीं तेजा जी महाराज। यदि वो जाग गए तो उनसे लड़ना महंगा पड़ सकता है, यदि वो जाग गए तो उनसे लड़ना महंगा पड़ सकता है। ओम जी का यही उद्देश्य है कि आपके भीतर तेजा जी बैठे हैं, बाबू जी बैठे हैं, लेकिन वो सो रहे हैं, उनको जगाने के लिए ओम डिगरना निकल पड़ा है। और जब गांव गांव से तेजा जी निकलेंगे, गांव गांव से बाबू जी निकलेंगे, तो गौ माता को राष्ट्र माता बनाने से कोई रोक नहीं सकता। तालियां बजाएं एक बार जोरदार। धन्यवाद। बस मैं तो यही कहता हूं जो हमारे आलोचना करते हैं, अरे मत डालो जलती अग्नि में घी की गिलोड़ी, मत डालो जलती अग्नि में घी की गिलोड़ी, बस्तियां जल जाएगी। अरे तुम मगरमच्छों के चक्कर में हमारी प्यारी सी मछलियां जल जाएगी। तुम्हारे कमेंटों से क्या ही फर्क पड़ने वाला नहीं, ना तो मेरी कोई सरकार गिरेगी, ना मेरे कंधे पर कोई अशोक स्तंभ लगेगा। बस आप करते रहे, आप अपना काम करें, मैं मेरा काम कर रहा हूं, क्योंकि भगवान ने उनको भेजा ही इसीलिए। क्योंकि मारवाड़ी में किया करे गऊ भावेजन गोई लो, भेड़ो हो गए, हुआ कौन भेड़ो हो गए। ये धरती पर दो आदमी आया, एक तो इंसान, एक दूसरा इंसान और अरे जो गंदो खड़ो खाओ भी नहीं कहे। हाँ तो क्यों ना राक्षस थारे कहीं धर्मे लो भाई है कि बोलो राक्षस। दो ही आया, रावण आयोजन राम जी भी आया, आड़ो पड़ियो ना, क्योंकि रावण राम जी ने दिया ना, और घड़ो जाए ना पशुवाड़ो लंबो करी राशन कार्ड भी खत्म करना पड़ी। हर कंस आयोजन लारे कृष्ण भगवान भी उसको बोला तेरी मौत बचपन में बालक से होगी और हुई। हेणा कश्यप आयोजन लारे नरसिंह भगवान ने भी बैठी काटो जो लागे आग ला रहे हल्ड देती रही मेरी जीभ काली है साहब। कह दीजिए कि फतेरा डंगा है, कोई मन में ओचोला माने कोई कह दे थाने कोई नहीं कौन क्यों सब गऊ भक्त हो ऐसे जगह। कह दीजिए सब हुणे है, कोई चोड़े हुणे कोई छाने सब मैं बड़ियोड़ा हुणे सुबह। हाँ छो करता कमेंट, उनका काम है करने दो, भगवान ने भेजी वास्ते। मैं तो धन्यवाद हूँ मारा माता पिता ने, तो कमेंट करे जरा मोटा तो कर दिया ने। मारी उम्र भी बारे लागे, भगवान थारा मोबाइल ने हाजो ताजो राखे, थारी किस्त पूरी माफ हुआ। ओम जी मैं आपके इस दिलेरी को देखकर यही निवेदन करूंगा कि छोड़ो मत अपनी आन भले शीश कट जाए, छोड़ो मत अपनी आन भले शीश कट जाए, और मत झुको अन्याय के आगे, भले ही जीवन चला जाए। अरे आदमी मरता तो एक बार ही मरता है, तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण धरो रे, और जीना है तो मरने से मत। क्या तो, बात। जिसको मौत का खौफ नहीं है ना वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां आप सब लोग बजाएं, और वो तो आनी है, एक दिन तो आनी है, आएगी। क्योंकि दुनिया में जब आप पैदा हुए तो आप तो रोए थे और दुनिया हंसी थी, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसा करके जाओ कि जब आप दुनिया से जाओ तो आप तो हंसते हंसते जाओ और पीछे दुनिया आपको देखकर रोए, तब आपका जीना सार्थक है। नहीं तो इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और खाली हाथ आया बंदा खाली हाथ जाएगा, साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। गौ माता की भक्ति, गौदान की राशि और सेवा की वो साथ जाने वाली है। धन्यवाद।